नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल मजे में होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको मुहासों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मुहासे हो रहे हैं आपके चेहरे पर, तो उन मुहासों को हम घरेलू उपाय करके किस तरह से ठीक कर सकते हैं, और साथ में मुहासों के जो दाग धब्बे हैं उनको भी दूर करके आप अपने चेहरे पर निखार ला सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेमेडी है दोस्तों, और वो क्या है मैं आपको बता दूँ। कई बार क्या होता है कि हम जो केले खरीद के लाते हैं मार्केट से, है ना, और उसके छिलटे उसको खाकर फेंक देते हैं, और आपको पता है केला जो है वो खाने में कितना फ़ायदेमंद है, उससे ज़्यादा चेहरे पर और बालों में लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो देखिए, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जो छिलटे हम लोग केले खाते हैं ना, उसको मैं संभाल कर रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, जैसे आपको भी अगर आप जब भी फ्री रहोगे तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसको किस तरह आप अपने फेस पर यूज़ कर सकते हो वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको इसको ट्राई करना है और इसके जो रिज़ल्ट है वो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। तो आपको सबसे पहले ले लेना है एक खाली प्लेट, और उसमें आपको लेना है केले का छिलटा, जो कि हम केले के छिलटे को खा के फेंक देते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता कि केले के छिलटे में कितने सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले मैं ये केले का छिलटा ले रही हूँ। देखिए, हमको इसको क्या करना है, इस तरह से कट लगाना है। देखिए, केले के छिलटे में एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। यह मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और साथ में क्या करता है, त्वचा को रिपेयर करता है। इससे आप क्या कर सकते हैं, एक तो केले के छिलटे को ना आप बारीक पीस सकते हैं मिक्सर में, और उसको उसमें थोड़ा सा पीसने के बाद उसमें आप हनी भी ऐड कर सकते हो। अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कट लगा देंगे और इसके ऊपर हम आप लगाएंगे हनी। ठीक है, क्या है कि केले के छिलटे में ना B6, B12, पोटेशियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है, जो कि त्वचा संबंधी कई समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसको कट लगा लिए है, अब हम लेंगे एकदम थोड़ा सा हनी। ये देखिए, ये मैंने ले लिया है हनी, और इसको मैं क्या करूँगी, इस तरह से इसको पूरा अच्छी तरह से इसके अंदर, ताकि पूरा हनी चले जाए। ठीक है, इससे आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं ना वो भी दूर होंगे और आपके चेहरे पर बहुत ज़बरदस्त निखार आएगा। आप जानते हैं, अगर आपको जैसे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ना, वो भी इससे दूर हो जाएंगी। पिगमेंटेशन में क्या होता है कि जो झाइयाँ होती है ना, उसका जो हम स्टार्टिंग में बिल्कुल जब होती है तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अगर घरेलू उपाय करोगे तो आपको जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो आप इसको कैसे लगाओगे, इसको अप्लाई कैसे करना है अपने फेस पर, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये बनके रेडी हो गया है। बस छोटा सा है, लेकिन इसके जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो ये मैंने इसको अपने फेस पर इस तरह से सर्कुलर मोशन में लगा लिया है। ठीक है, ये देखिए, इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से पूरे फेस पर रगड़ना है। आंखों के पास अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, आप उसको वहां पर भी लगा सकते हैं। इससे जो आपके चेहरे पर जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, जैसे पिंपल्स होते हैं, और वो दाग छोड़कर चले जाते हैं, तो ये उसको भी दूर करेंगे। आप इसको रोज लगाएंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और चेहरा इतना खिला खिला नजर आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आप इसको लगाकर आधे से एक घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। जब भी आपको घर पे टाइम मिले, फ्री टाइम, आप इसको लगा लीजिए गर्दन पे, जहाँ पर भी आपको कालापन है। आप इसको कोहनी बहुत पर यहाँ पर लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे जो होते हैं ना, किसी को कालापन हो जाता है, ये इधर पीछे हो जाता है, तो आप इसको वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि आपके इत्र से भी काम की है,
तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं कल मिलूंगी एक नई और प्यारी सी वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।